मंदिर जा रही है क्या? मंदिर नहीं रे, मैं तो तेरी नजर उतारने आई हूँ। माँ तू भी कमाल की बातें करती है, मुझ जैसे लंबू तरंगू को किसी की नजर क्या लगेगी। अरे बेटा, यहाँ की बात और है, अब तू शहर जा रहा है, शहर वालों की नजर बहुत बुरी होती है। ले, सीधा खड़ा तो लो। माँ ये क्या, चंदन की जगह मिट्टी का तिलक? बेटा ये धरती माता जो हमारा पालन पोषण करती है, इसकी धूल ही हम किसानों के लिए चंदन बराबर है। लो, इधर माँ बेटा खुशुर पुशुर कर रहे हैं और उधर स्टेशन पर रेलगाड़ी पहुंचने वाली है। अरे बोचाल, तू फिक्र न कर, स्टेशन मास्टर जानता है कि आज सोमू गाड़ी से जा रहा है। बड़े बेवकूफ हो, और स्टेशन मास्टर क्या, सारा गांव जानता है कि आज सोमू सरकार से इनाम लेने के लिए शहर जा रहा है, क्योंकि उसने अपने खेत में सबसे ज्यादा अनाज उगाया है। और ये तुझे देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। चल 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 चलो चाची चलो। तुम्हारे पाँव छूना भूल गया था। अच्छा, अरे ये गाड़ी तो खिलौना है, अभी भाग के पकड़ लूंगा। मैं सोमू हूँ। हाँ सोमू। सोमू वो क्या होता है? लड़के का नाम। आरती ये लड़का है। लेकिन सोमू माशे, तुम्हें लड़कियों के डिब्बे में घुसने की क्या जरूरत थी? गुस्सा तो मैं मर्दों के डिब्बे में था, मगर लड़कियों को देखकर नीयत बदल गई। नहीं मैम साहब, नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? शादी? हाँ? हट, अभी तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा, प्यार व्यार तो करते होगे? प्यार? जी जी, मैं कोई जानवर हूँ? तो क्या प्यार जानवर करते हैं? वो तो तुम जानो मेम साहब। अरे बड़ा बदतमीज है ये। मैं बदतमीज नहीं हूँ मेम साहब, मेरे पास भी टिकट है। अच्छा टिकट है। Thank you.
खांसी और घुटनों में दर्द यूं आ सकते कि आदमी बिरयानी खाना ही भूल जाए तो वो कैसी खुश नसीबी हुई। अरे मेहता जी, ये सारे शहर की रद्दी आज आपने थोक में खरीदी है क्या? लाला जी, आपके बर्थडे की मुबारकबाद की तारें और चिट्ठियां। हाँ, हमारा बर्थडे इतना पॉपुलर हो गया क्या? अरे हाँ, याद आया, वो बेटी आरती आने वाली है दार्जिलिंग से, उसको भी लेने के लिए गया या नहीं? जी हाँ, वो प्राण बाबू कभी के गए हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग लारा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेनी हैप्पी रिटर्न सैटरडे। थैंक यू डॉक्टर। तुम हर वक्त अपने पोते को उंगली से लगाए फिरते रहते हो, अब इसे किसी स्कूल में क्यों नहीं दाखिल करते? लाला जी, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। जब से मेरे इकलौते बेटे का कत्ल हुआ है, इसे आज से एक पल भी ओझल करने को जी नहीं चाहता। और फिर एक ज्योतिषी ने वहम डाल रखा है कि ये जब तक 10 बरस का न हो जाए, इसकी संभाल बहुत जरूरी है। ओ, तो फिर ऐसे करो, जब तक ये 10 बरस का नहीं होता, इसके लिए घर में ट्यूशन रख दो, वो खर्चा मैं करूंगा, मेरी खुशी है। लाला जी, बच्चा आपका है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जरा कोट उतारिए, मैं आपको इंजेक्शन दे दूं। शिव शंभो, शिव शंभो। आइए आइए पंडित जी महाराज, आइए बराजिए बराजिए। आपको भी पता चल गया कि आज हमारी 60वीं सालगिरह है। शुभ शुभ बोलिए, अब तो 40-45 के लगभग नजर आते हैं। और मैं बेटिया आरती के लिए दो रिश्ते ढूंढ कर लाया हूँ। लड़की एक और रिश्ते आप दो ढूंढ कर लाए हैं? महाराज, पहला पसंद न हो तो दूसरा, दूसरा पसंद न हो तो पहला। अगर दोनों ही पसंद आ गया तो दो 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 दो। ये देखिए, शक्ल सूरत से तो अच्छा है। लाला जी, ये पूछिए कि क्या अच्छा नहीं। कलकत्ते में ही रहता है, बीए की ताजा ताजा डिग्री है। सोमरस और तंबाकू के लिए तो दूर की बात है। जिस मोहल्ले में लहसुन और प्याज की दुकान हो, वहां से गुजरता तक नहीं, लड़का खानदानी है। खानदान पीछे हटते हटते शहनशाह अकबर से जाकर मिलता है। तो क्या मुगलों की औलाद है? नहीं लाला जी, राजा बीरबल के खानदान से है। ओ, फिर तो दिन रात आरती को लतीफे ही सुनाता रहेगा। और दूसरा फोटो देखो। कैसी छवि है महाराज? छबीला नौजवान है, कहाँ रहता है? वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ है। वैसे रहता तो समंदर पार, बैरूत कोई मुल्क है, वहाँ उसका अपना होटल है। सुना है 200 कमरे हैं और होटल के छत पर नहाने का तालाब है। अगर तालाब छत पर है तो बादल तो फिर आंगन में ही छाते होंगे, वहाँ बारिश नीचे से ऊपर होती है क्या? वाह लाला जी वाह। अरे मस्करी के लिए यही ब्राह्मण मिला। आजा पंडित जी, आप दोनों फोटो यहाँ छोड़ जाइए, मैं आरती बेटियों दिखा कर आपको जवाब दूंगा। अब आप जाइए। अच्छा, जाइए। हे भगवान, अरे छोड़िए नहीं, जाइए। हेलो डॉक्टर, ये जूस पियो, तुम्हें खांसी बहुत हो रही है। आ गई मेरी मिटिया। मैंने लिखा क्या था कि आपके बर्थडे के दिन जरूर पहुंच जाऊंगी, मगर इतनी देर क्यों कर दी? हम तो कब के आ जाते, लेकिन ट्रेन लेट पहुंची। ये है मेरी सहेली सुषमा, मेरे साथ ही पढ़ती है। माँ बाप इलाज गए हुए हैं, तो छुट्टियों मेरे साथ ही गुजारी। वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, इस घर को अपना ही घर समझना, शर्माना नहीं। अब आरती ऊपर डाउन हुआ दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अच्छी बात है।
बहुत अच्छी पिक्चर लगी, मैरिज इटालियन स्टाइल। शाम का शो देखोगी? मैरिज इटालियन स्टाइल से दूर की बात है, अभी तो मैंने मैरिज इंडियन स्टाइल भी नहीं देखी। मैंने बड़ी मुश्किल से 3 टिकटें मंगवाई। ब्लैक में भेज दो। आ सुषमा। और सुनाओ बेटी, बीए के पर्चे कैसे हुए? अच्छे हुए हैं, पास भी हो जाऊंगी। शुक्र है। तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की भी यही ख्वाहिश थी कि तुम बीए तक पढ़ो। लेकिन मैं तो एमए भी करना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए बीए तक की तालीम काफी होती है बेटी, एमए करते करते मेरी उम्र की हो जाओगी। मेरी मानो, शादी करके मुझे भी आराम का सांस लेने दो। लाला जी, शादी की क्या जल्दी है? अब तुम्हें ना हो लेकिन मुझे है। अब मेरी उम्र हो गई है बेटी, कब तक ये बूढ़ी हड्डियां घर कारोबार और जायदाद का बोझ उठाती फिरेंगी? रिश्तेदार भी मिले हैं तो सब गिरा कर जो किसी के हाथ लगता है खा जाता है। कम से कम घर में दामाद आने से हिसाब किताब की चिंता तो दूर हो जाएगी। हिसाब किताब तो मैं भी संभाल सकती हूँ। हाँ, हिसाब किताब तो तुम संभाल लोगी, लेकिन तुम्हें संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। लाला जी, जवान लड़की भी जायदाद की तरह होती है बेटी, दोनों का एक एक रखवाला होना जरूरी। लेकिन जिसके साथ सारी उम्र गुजारनी हो वो लड़का भी तो काम का होना चाहिए। मेरी एक सहेली प्रेमा थी, उसकी शादी एक खूबसूरत नौजवान से हो गई, लेकिन शादी के बाद पता चला कि उस नौजवान की शादी पहले भी हो चुकी थी। तो प्रेमा ने शादी जरूर अपनी मर्जी से की होगी, इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है कि शादी ब्याह का मामला बड़ों पर छोड़ देना चाहिए। प्रेमा की छोटी बहन विमला की शादी भी तो उसके माँ बाप ने सोच समझ के की थी। तो फिर क्या हुआ? वो कमबख्त सुबह घर से निकलता है और क्लब में से जुआ खेलकर आधी रात को घर आता है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की अनजान है, अगर सियानी होती तो शुरू से ही अपने पति को अपने काबू में रखती। देखो आरती, मैंने सोच समझ कर 2 खानदानी लड़के तुम्हारे लिए देख रखे हैं, हैं? इन दोनों में से कोई भी एक तुम चुन लो, ये रहे उनके फोटो। देख लूंगा। सुषमा, सुषमा, देखा है चौक तक किसी जलेबी बेचने वाले का लड़का मालूम होता है? इतना बुरा तो नहीं, लेकिन कुर्ता जरूर किसी झाबड़ी वाले से उधार मांगकर पहना है। लो, इस दूसरे महाशय को भी देख लो, फोटो खिंचवाने के शौक में जनाब की आंखें चौड़ी हो गई है। आरती, मुझे तो ये पसंद है, नॉट बैड। तो फिर तो इसे अपने लिए फिक्स कर ले। सिगार की बदबू आ रही है, जरूर लाला जी अंदर होंगे। आओ मुरली, आओ। लाला जी नमस्कार। जीते रहो। कहो, कुर्सियांग से आ रहे हो? लाला जी, जो कर्स्योंग में रहता है कर्स्योंग से आएगा, शिलोंग से नहीं आएगा। मेरे भतीजे का क्या हाल है? आपका भतीजा कौन? अरे तुम्हारा बाप और कौन? ओहो, आप मेरे डैडी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारे मामे की बात कर रहा हूँ। खैर, खुद तो मजे में है। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ दे रखी है, आए दिन किसी ना किसी पे मुकदमा कर देते हैं। लाला जी, मैं हैरान हूँ कि आप पर डैडी ने अभी तक एक भी केस नहीं किया। तुम अजीब अलल टप्पू हो, मेरे भाई का बेटा क्या मुझ पर ही केस करेगा? ये तो ठीक है, डैडी आप ही का दिया तो खाते हैं, आदमी नमक हराम है, लेकिन आपके साथ नमक हलाल है। मुरली, तू जरा कम बोला कर। कमाल है, सिगार की बदबू के साथ साथ इत्र की खुशबू। आरती इत्र लगा रही होगी। ओहो, तो ये खुशबू दार्जिलिंग से आ रही है? नीम वकील खतराए कानून। अरे खुशबू दार्जिलिंग से नहीं आ रही, आरती छुट्टियों में यहाँ आई हुई है। आरती बहन यहाँ पे आई है? हाँ, ऊपर आ जाओ, बहन से मिलकर आओ। ओके ओके, मुझे पता नहीं। आरती आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आरती बेटा, जरा नीचे आओ। ओहो, लाला जी बुला रहे हैं, आओ चलें। आरती बेटा, कल जो 2 तस्वीरें ली थी देख ली? जी। क्या फैसला किया है? फैसला? हो नहीं सका। फैसला?
लेकिन झगड़ा क्या है? मैं फैसला क्यों देता हूँ? भैया देखो ना, लाला जी जबरदस्ती मेरी शादी करके मुझे अपने गले से उतारना चाहते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा वकील हूँ। लाला जी ने मुझे दो गैर आदमियों की फोटो दी है। वकील साहब, कौन जाने वो आदमी कैसे हैं? मैं किसी को देखे समझे बगैर उसे शादी कैसे कर सकती हूँ? यू आर राइट, मगर वकील साहब मैं कोई इसका दुश्मन तो नहीं हूँ। मैंने इसके लिए दो हीरे जैसे लड़के ढूंढे हैं। लेकिन कभी कभी हीरे में भी दाग निकल आता है। हाँ वकील साहब, इसलिए तो मैंने सोचा है कि मैं उन दोनों लड़कों का खुद जाकर पता लगाऊंगी कि उनका खानदान कैसा है, चाल चलन कैसा है। नहीं नहीं, ये हमारे खानदान के मर्यादा और हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ है। ये बदेशी रिवाज यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हम हर बात में शेक्सपियर का दुमछल्ला बनते हैं और शादी ब्याह के मामले में कालिदास के औलाद बन जाते हैं। लाला जी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? केक की बजाय रसगुल्ले काट कर हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं करते? कानून की बिना पर आरती को अपना जीवन साथी परखने का पूरा पूरा अख्तियार है। दिस इज माय जजमेंट। आरती मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यातना शुद्ध दोषुद्ध, मगर याद रखो शादी बहुत जल्द होनी चाहिए। ओके, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू थैंक यू। आरती चलो। ओ, मुरली मनोहर भी आ गए। फरमाइए, मेरी मुरली से आपको तकलीफ होती है? अरे मुरली, तू प्राण से हर वक्त कड़वा क्यों बोलता है? लाला जी मैं कोशिश तो मीठा बोलने की करता हूँ, लेकिन इस पैदरों को देखकर मिठास गुम हो जाती है। मिस्टर प्राण, तुम अपने भाई ज्ञान को कैलिम्पोंग में अकेला छोड़कर यहाँ क्या चक्कर चला रहे हो? ये तुम्हारी समझ के बाहर है। अरे प्राण बेटा आओ चले, वरना ये कोई पॉइंट निकाल लेगा। अरे लाला आती, फोटो नंबर एक से शुरू किया जाए। ओके प्रोसीड। 5913 कौन हो तुम? तुम नहीं, आप कहिए। क्या मैं छोटे से लड़के को आप क्या कर पुकारूंगा? मनुष्य, ये छोटा सा लड़का नहीं है, आपकी नजर में ये बालक है। इनके शरीर में भृगु ऋषि का स्थान है। ये आदमी की शक्ल देखकर उसके पिछले जन्म, इस जन्म और अगले जन्म सब जन्मों का हाल बता सकते। डांडे, क्या कहा? ये देवताओं की भाषा है। आप कह रहे हैं कुसी पुसी, यानी कभी कभी कांगा बिली। काम काज से उतना धन नहीं मिलता जितना कि डांडे लड़के और लड़की के संजोग से प्राप्त होता है। तो क्या मेरे लड़के की शादी में बहुत दहेज मिलेगा? लक्ष लक्ष धर्म कोटि, लाखों करोड़ों की बात है। तो पंडित जी महाराज आइए पधारिए। पधरू पधरतम पधरतम पधरतम। आपका परिचय? परिचय भृगु की माता है, जगत माता। प्रणाम देवी। प्रणाम नहीं, माता। जय माता। चिरंजीवी बेटा मणिलाल। कपूतम कपूतम कपूतम। ये कपूत कपूत क्या कह रहा है? बुढ़े, चंद्रलोक की भाषा है ये। का अर्थ है एक, पूत का अर्थ है पुत्र। कह रहे हैं एक ही पुत्र है ये। ओह बेटा मणिलाल, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं ये। बेटा मणिलाल अपना हाथ दिखाओ, यहाँ आओ, धरती पे आओ, धरती पे आओ, दिखाओ, ठीक से दिखाओ, निकालो। वाह, नष्ट काले समीपम। महाराज का कहना है कि इनका बस अब वक्त आ गया है। क्या मतलब महाराज, वक्त आ गया है? धीरज रखो, धीरज रखो बेटा। इनका कहना है बुरा वक्त टल गया है, अच्छा वक्त आ गया है, शादी की बात छिड़ी हुई है। धीरज रखो। गिद्धम नेत्रम, गिद्ध की आंख है। गिद्ध की आंख, बिगड़ो नहीं युवक। अर्थ ये है जैसे मुर्दा कहीं भी हो गिद्ध वहां पहुंच ही जाता है, वैसे ही दौलत कहीं भी हो तुम्हारी पवित्र आंखें वहां पहुंच ही जाती हैं। दंतानम, अपने थोबड़े का जबड़ा खोलो। पायरिया डायरिया शमशान भूमम दृश्य मारिया। हाँ हाँ हाँ, इनका कहना है कि तुमको कभी पायरिया नहीं होगा, और जब पायरिया नहीं होगा तो डायरिया भी नहीं होगा। पगलिफ्टम पगलिफ्टम, टांग उठाओ। महाराज क्या टांगों में भी ज्योतिष होती है? पांव की रेखाओं से होने वाली धर्म पत्नी के संबंध में पता चलेगा। अच्छा महाराज, बेटा उठाओ, घबराओ नहीं। पुत्रताम, पुत्र के पिता, इनकी बाटा की चप्पल उतारो। क्या मैं चप्पल उतारूं? तो क्या मैं उतारूं? तिररी तिररी, आपकी होने वाली बहू साहित्य रत्न है। ऐसा ही चाहिए,
पुररी। एक आंख से काने है परंतु दूसरी आंख अति सुंदर है, देखने के लिए एक ही आंख काफी होती है। पुररी। एक टांग से लंगड़ी है, कौन सा उसने पैदल चलना है, मोटरों ही में घूमना है। कुर्री। करोड़पति है। इससे बड़ा गुणों क्या हो सकता है महाराज, लड़की करोड़पति है तो और क्या चाहिए। Come on, let's go. आप इंग्लिश भी जानते हैं? What do you think of me? लड़की कानी हो, लंगड़ी हो, लेकिन दौलत वाली हो तो उसकी हर बुराई छुप सकती है। तुम जैसे लाची लोगों ने देश का नाम बदनाम कर रखा है। तुम कौन हो? मैं वही लड़की हूँ, ये लो अपनी फोटो। बहन अब नंबर दो की बारी है, कम ऑन। जाने जा जाजा, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं।
ये गुलाम किस लिए है? जा जा, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं। सारी उम्र कुर्बान तुम पे। तेरे जैसे तो आते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं, तेरे जैसे तो आते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है बेगम, तू खुश हो गई। बेगम, आपका नाम पूछ सकता हूँ? बंदी को दिले आराम कहते हैं। हाय हाय, सचमुच तुम दिले आराम हो। वतन कहाँ है तुम्हारा? वतन हुजूर, जो चीज छोड़ा है उसकी याद से क्या फायदा। लखनऊ के पास एक शहर है, अहमदाबाद। अहमदाबाद? अहमदाबाद तो गुजरात में है। हुजूर, दो अहमदाबाद है, एक अहमद शाह इब्दाली का बसाया हुआ और दूसरा अहमद शाह घसियारे का, वालिद इनके जागीरदार है। जबरदस्ती की शादी एक आवारा और अय्याश के साथ कर रहे थे। मैं इनके वालिद के वहाँ हुक्का भरता था, रातों रात इनको लेके यहाँ चला आया। शायद हमारी किस्मत खुलने थी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये नाजुक करी अगर उस बदमाश के पल्ले बंध जाती तो कसम खुदा की इसकी जबानी बर्बाद हो जाती। हुजूर, उस मनोज की शक्ल पे तो लानत बरसती है। सुबह उसकी शक्ल देख लो तो रात खाने नसीब ना हो। आपको उसकी फोटो दिखाऊं? दिखाओ, फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। दिखाता हूँ, लीजिए हुजूर, ये फोटो। पहचान लिया जनाब? भाई शाह, असल ये तो मेरी फोटो है ना? तुम कौन हो? मैं वही लड़की जिससे तुम शादी करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम अपने आप को किसी खानदानी लड़की के काबिल समझते हो? तुम्हारे मुंह से शराब की बू और तुम्हारी हरकतों से गंदी नाली की बात आती है। एक आंख इस लड़की पर और दूसरे उस लड़की पर। तुम जैसे लोग ही तो भोली भाली लड़कियों को फुसला कर कोठों के झरनों में बात करती। कभी कभी लेने के देने भी पड़ जाते हैं। आधा बढ़े कहता हूँ कभी अच्छा। लाला जी,
से मैनेजर साहब के साथ दार्जिलिंग गए। दार्जिलिंग सिस्टर? अच्छा सिस्टर, जरूर काम में कुछ काला है। हमेशा दार्जिलिंग या तो लाला जी जाते हैं या मैनेजर साहब, लेकिन आज दोनों साथ में हैं। कोई जरूरी काम होगा? उनका जरूरी काम मैं जानता हूँ। जाने से पहले मुझसे मिलके जाते तो मैं उनको अंग्रेजी फिल्म तो कैसे थी दिखा देता। वो क्यों? तुम क्या जानो, लाला जी भी तो चोरी पकड़ने गए हैं। नॉनसेंस, वहां कौन चोर है? सबसे पहले तो मेरे डैडी। बातों बातों में मैं तो भूल ही गया कि मेरा भी दार्जिलिंग जाना बहुत जरूरी है। सुषमा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दार्जिलिंग चला जाऊं। ओह श्योर श्योर। हाँ हाँ। सुनिए, मेरे जाने से आपको जरा भी दुख नहीं होगा? मुझे क्या होने लगा? आपकी मर्जी, वरना मेरी तो बड़ी इच्छा है कि कोई लड़की मुझे भी याद करके चीखे मार मार के रोए। भैया, मेरी सहेली के पीछे ना पड़ो। मैं तुम्हारी सहेली के पीछे कहाँ पड़ा हूँ, मैं तो अपना पॉइंट समझा रहा था। मेरे पॉइंट पे तो गौर करिएगा। सरकार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहो कैसा काम काज चल रहा है? जैसा महारानी हुकुम देता है वैसा करता है। महारानी कौन? सरकार, वो आपकी भतीजी। हाँ। चाचा अभी तक राजा नहीं बन सका, भतीजी पहले ही महारानी बन गई है। अरे सुनो, यहाँ पर पिछले साल कुछ दरख्त होते थे, क्या हुआ? महारानी को इधर से गुजरने में तकलीफ होता था, उन्होंने कटवा दिया। बहुत अच्छा किया, ना साया चाय के पौधों पर पड़ेगा, ना चाय पैदा होगी और ना पीने में तकलीफ होगी। वाह। चाचा जी, आप कैसे आना हो गया अचानक, ना कुछ चिट्ठी ना पत्र? वो क्या करता, रात मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा कि मेरे चाय के खेतों में चाय की जगह मूंगफली उगाई है और तू उस मूंगफली को नमक लगाकर खा रही है। बस इसी घबराहट में मैं कलकत्ते से यहाँ आ गया। अरे वाह, मेरा सपना तो सच्चा निकला। क्या मैं एक दाना खा लूं? जरूर खाइए, जरूर खाइए। चाचा जी, जू जू आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी तबीयत मजाकिया होती जा रही है। ए मिस्टर, ये हिसाब किताब का खाता यहाँ रख दो और तुम जाओ जाओ जाओ, मैं जरा 6 महीने का हिसाब तो देखूं। हिसाब तो बिल्कुल साफ है। जरूर होगा, तुमने जरूर सफाई की होगी। फिर भी कोई गलती है? गलती हिसाब में क्या होगी, गलती तो गलती तो मेरी है। हाँ बेटी, आखिर तुम मेरा अपना खून हो, मेरे स्वर्गवासी भाई की विधवा बेटी हो। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी उस दिन तुम्हारा पति चल बसा था, मैंने रहम खाकर ये टी एस्टेट तुम्हें सौंप दी थी कि तुम्हारा जीवी लगा रहेगा और जायदाद की देखभाल भी हो जाएगी। बस यही गलती है मेरी। चाचा जी, धर्म की सौगंध, मैंने कोई झूठा हिसाब नहीं लिखा, ये किताबें तो सिर्फ इनकम टैक्स वालों के लिए है। इनकम टैक्स वालों के लिए एक किताब और मेरे लिए दूसरी किताब और तुम्हारे अपने लिए तीसरी किताब, 3 आदमियों का काम तुम अकेली को करना पड़ता है। 2 लाख का फर्क है हिसाब में। क्या मैंने तुम्हें ये कहकर यहाँ रखा है कि तुम गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंको? अगर हमारे जैसे खाते पीते आदमी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे तो क्या गवर्नमेंट फकीरों पर टैक्स लगाएगी? बोलो, कहां वो 2 लाख रुपए? बताती हूँ चाचा जी, उस 2 लाख का मैंने मकान बनवा लिया। किस लिए? ना तेरा बाप है, ना पति है, ना संतान है, तो क्या उस मकान में छिपकलियां, खटमल और पिसुओं को रखेगी? पहला काम ये करो कि उस मकान को बेचो और इनकम टैक्स का हिसाब किताब साफ करो, समझी? जाओ जाओ। मेहता जी, जरा गोली दीजिए। ये लीजिए, मुझे मार डालेंगे ये लोग। अरे मुरली, तू कब आया? ये मत पूछिए कब आया हूँ, ये पूछिए क्यों आया। अरे बताना। सुनिए, आपके बाप के छोटे भाई यानी आपके चाचा और मेरे बड़े चाचा इस वक्त ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं। ऑफिस में? क्यों? टू कैच अ थीफ यानी चोर पकड़ने। मुरली क्या बक रहा है, मैंने कौन सा जुर्म किया है? जुर्म नंबर 1, लाला जी ने तुम्हें करसियाओं में जंगलात के ठेकों का जिम्मा अपना समझकर सौंपा था, लेकिन तुमने हिसाब किताब में गोलमाल किया। डैडी मुझे माफ करना, मैंने आपको तुम कह के पुकारा क्योंकि एक वकील की नजर में मुजरिम बाप हो या बाप का बाप मुजरिम ही होता है। जुर्म नंबर 2, तुमने हिसाब में लिखा है कि इस साल जंगल में से 1000 टन लकड़ी निकली है, लेकिन लकड़ी निकली है 1500 टन, तो क्या बाकी की लकड़ी मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट के ठेकेदारों को भेज दी?
डैडी लाला जी तुम पर मुकदमा करके तुमको 2-4 साल के लिए जेल यात्रा करवा के रहेंगे। चाचा जी, चाचा जी। जीवन लाल, तुम तो हमेशा मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते किया करते थे, आइए पांव भी छूने लगे। चाचा जी, मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे ये तुम्हें क्या हो गया है, मैं तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ओहो, मैं ये समझा था कि शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा, जो मुझे बताए बगैर आप हिसाब किताब देखने लग गए। अरे बेटा, तू मेरा, कारोबार मेरा, हिसाब किताब मेरा। क्यों नहीं चाचा जी, क्यों नहीं, सब कुछ आप ही का है सिवाय मुनाफे के। अरे कमबख्त चोर और डाकू भी किसी का घर लूटते हैं तो पहले अपना पराया देखकर। मैं जीते जी तुम इस बेईमानी से काम ले रहे हो, मेरे मरने के बाद तो मेरा मुर्दा नीलाम कर दो। चाचा जी, मैं मुरली के सभी सौगंध खाकर कहता हूँ कि अब मैं एक पैसा भी इधर से उधर नहीं करूँगा। अरे पैसा तो नहीं करेगा, मगर जंगल का जंगल हड़प कर जाएगा। ये हिसाब किताब की किताबें उठाओ और जहां जहां मैंने निशान लगाए हैं वो सब हिसाब सही करके भेजो। चलो उठाओ। अच्छा जी। लाला जी, आप आने की खबर तक नहीं दी। अरे बेटा, आपनों से क्या तकल्लुफ, आदमी खबर दिए बगैर भी आ सकता है। शादी की सालगिरह मुबारक। जी, सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही का आशीर्वाद है। पारो कहां है? पारो अंदर है, चलिए ना। अंकल, यस पुटान प्लीज। हेलो हेलो, कौन? लाजवंती दीदी, कैसी हो? क्या लाला जी अचानक वहां पहुंच गए तुम्हारे हिसाब की जांच पड़ताल की? क्या कहा तुम्हें? बुरा भला नहीं कहा? अच्छा, बुढ़े के बुढ़ापे में पर निकल रहे हैं। अरे दीदी, इतना तो सोचिए कि उसके मरने के बाद उसकी दौलत से हमारा ही कब्जा होगा। हाँ, इतनी दौलत क्या वो सिने पे बांध के ले जाएगा? तुम सच कहती हो बेटी, सच कहती हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तो कमाता रहा हूँ। मेहता जी, मेहता जी, मुझे सवाल ये, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और मेहता जी इससे कह दीजिए कि मुझे आज से पिताजी ना कहा करें। कलकत्ते टेलीफोन कीजिए और आरती बिटिया को बोलिए कि डॉक्टर साहब को लेकर फौरन यहाँ आ जाए। बेहतर है आज जाओ, मुझे पिताजी ना कहो। शायद मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए ही पैदा हुआ था, लेकिन मुझे न तुम्हारे पैदा होने की खुशी है न मरने का गम होगा। बड़ी संगदिल हो, ऐसी भी मुझसे नफरत क्या? लेकिन तुम्हें से कौन सी बात है जिससे मोहब्बत की जा सके? क्यों, क्या कमी है मुझमें? पढ़ा लिखा हूँ, नौजवान हूँ। जो कहते हो सच कहते हो, लेकिन हीरो नहीं बन सकते। हाँ, विलन बनने की कोशिश करना। हाँ? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गरम पाँव से ट्रेन कॉल आया है, लाला जी को दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, हम सबको जल्दी बुलाया। डॉक्टर साहब को खबर कर दो। अच्छा आरती, चलो। लाला जी। आओ बेटा। लाला जी। आओ बेटा। आरती बेटा। आप रोते क्यों हैं लाला जी? मेरी बेटी, ये तो खुशी के आंसू है। तो कहीं तुझे देखे बगैर ही मेरे प्राण ना निकल जाए। ऐसा मत कहिए लाला जी। सास का क्या भरोसा है बेटी? आरती, एक वादा करो कि अगर तेरी शादी मेरे मरने के बाद भी हुई तो शादी के मंडप में मेरी फोटो तुम जरूर रखोगी। अगर मैं ये खुशी देखकर इस दुनिया से रुखसत होता तो मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाती। बेटा आरती, सुनो, उन लड़कों में से कुछ पसंद आया? पारो, ये लाला जी इतनी देर तक क्या बातें कर सकते? मैं क्या जानू दीदी, हो सकता है घर बार का हिसाब किताब समझा रहे हो। अजी, हम किस गिनती में है? यहाँ तो बेटी सौतेली हो गई और पोती सगी।
एक बात बताओ, आरती हाथ लगी या नहीं? कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? अरे इतने दिनों से तुम्हें वहां भेज रखा है, अभी तक तुम कोशिश ही कर रहे हो। भैया जो चीज धीरे धीरे पकती है वो मीठी होती है। लड़की जरा सर फिरी। हाँ साहब क्यों ना हो, दौलत का गुरूर जो हुआ। गुरूर अपने पास रखे, हमें तो दौलत से मतलब है। भैया आधी कामयाबी तो हो चुकी है, लाला जी का इरादा तो है। कभी कभी वो मुझे उस नजर से देखते हैं जिस नजर से एक दामाद को देखा जाए। हेड बॉय, वेरी गुड। अगर तुम शादी करके मेरे अरमान पूरे कर दो तो तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। मुझे कब इनकार है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक और लड़का है मेरी नजर में, घर का अच्छा है, जाना पहचाना है। प्राण के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? प्राण? कौन प्राण? अरे अपना प्राण, पारो का देवर। नहीं लाला जी। नहीं क्यों बेटा, प्राण में क्या बुराई है, मुझे वो बहुत पसंद है। देखो मेरी बात मान लो, मैं मरते मरते जी उठूंगा। लाला जी बात यह है कि मैंने अपने लिए एक लड़का देख रखा है, आपसे कहते हुए शर्माती थी। शर्म की कौन सी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अभी तक तुम्हारी शादी भी हो चुकी होती। एक कौन है वो लड़का? अच्छे घर का लड़का है। तो फिर बेटा उसको यहाँ लाओ ना, तो जाओ लेकर आओ। भागो आप, आराम कीजिए, मैं जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। जाती कहाँ है, तू तो खड़ी है यहाँ, चल भाग भाग लेकर आना। ओ लाला जी तुमको आराम करना मांगता है, कितना बोलता है तू। आ देखो उसको लेकर आना। डोंट टॉक। नर्स क्या है? एक सिगार पी लो। व्हाट सिगार? नो। आती तूने लाला जी से झूठ बोल के खामोखा मुसीबत मोल ले ली। क्या करती, वो भी तो शैतानी झर के प्राण को मेरे गले मर रहे थे। बात आने के लिए मैंने भी झूठ बोल दिया, लेकिन अब अपनी बात रखने के लिए लाला जी को कोई ना कोई लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ वरना उन्हें बहुत झटका लगेगा। अब क्या करोगी? जो बात तुम मुझसे पूछ रही है वही मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ।